Hi guys, welcome back to Bhojpuri Chilies. मैं हूँ रुधीर, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं GMJ Global Music Junction Channel से मेरा दिल तोड़ के नीलकमल सिंह, मेरा दिल तोड़ के शिल्पी राज जी की आवाज़ साथ में है इनके, नीलकमल सिंह भैया के, ठीक है? तो देखते हैं भाई, इट्स अ वेरी वेरी सैड सॉन्ग आई थिंक, तो है ना, दिल तोड़ने का गाना है, अब तो ऑफकोर्स यार सैड सॉन्ग ही होगा। अच्छा स्टार्ट करते हैं वीडियो, और जहाँ तक कि मुझे पता है नीलकमल सिंह जो हैं सैड सॉन्ग के बादशाह हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे सैड सॉन्ग से गाते हैं। और दूसरी चीज़ ये, मतलब हर चीज़ से दूर रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि जाती है कुछ ऐसा। हाँ तो खैर वो बात छोड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, सॉन्ग एंजॉय करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैन चेक आउट द चैनल। Not a sad song, it's a bewafai song. वैसे दिल ऐसे बनता है ना, ये ऐसे क्यों बना रहा है? वही तो चुतिया पे ना सही में। यार ये था सॉन्ग, और भाई बेहतरीन, मतलब जहां से एंट्री हुई है ना कि मेरी मेरा जो मेकअप है वो तुम्हारी सैलरी से ज्यादा, मतलब थोपड़े पे ही चुपड़ती रहेंगी हमेशा, अब उसी से घर बार चल जाएगा, उसी से चल थोड़ा मेकअप कम कर दो तो उसका खर्चा कम हो जाएगा, बचत हो जाएगी, तो दोनों लोग शादी करके खुश रहे ना। मतलब मुझे ये लगता है अगर प्यार है ना तो हाँ, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, ठीक है? वो दोनों साथ में करते हैं, अपना घर चलाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें पैसे से ही प्यार है, देन तुमने उससे प्यार ही क्यों किया, रिलेशन में क्यों आए? ऐसे लोगों को ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत सारे लड़के भी ऐसे होते हैं कि जो लड़कियों का पैसा बर्बाद करवा रहे होते हैं, ठीक है? और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो लड़कों को ATM समझ के रखती हैं। तो मतलब अगर तुम्हें यही चीज खाली पापा की परी ही जिंदगी भर बन के रहना, तो तुम एक काम करो, तुम अपने पापा के पास ही रहो पूरे जिंदगी भर, वही तुम्हारे ऊपर पैसा
उड़ाते रहेंगे, ठीक है? मतलब जब किसी की कदर नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी की ना, ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी की कदर नहीं होती है, कदर नहीं होती या फिर वो लोग लेना नहीं चाहते क्योंकि वो उतना कैपेबल होते ही नहीं है, बनाया नहीं जाता है ना उन्हें। पापा जब इतना ज़्यादा उनके ऊपर पैसा खर्च कर देते हैं कि आए हाय हमारी लाडो, तो लाडो को आप लाड करो लेकिन कम से कम बेसिक मैनर्स अपने पैरों पर खड़े होना तो सिखाओ कि वो खुद का खर्चा उठा सके। भाई मोस्ट ऑफ द यही होता है, तभी तो जो ये होता है फिजिकल अब्यूज होता है लड़की के साथ में वो ज़्यादा होता है क्योंकि वो स्टैंड लेती ही नहीं है। अगर कोई बंदा आपके ऊपर हाथ उठाया, डजंट मैटर उसने हाथ उठाया कोई बात नहीं बेटा, हाथ ही तो उठाया है, कल बेटा जान से मार देगा तब आओगे आप सामने। तो वही चीज़ है, पहले तुम खूब उसके ऊपर खर्चा करो, है ना, अपनी बेटी के ऊपर कि हाँ हम भर भर के दहेज दे देंगे अपनी बेटी को, है ना, सरकारी नौकर से शादी करा दे रहे हैं, सरकारी नौकर भले ही वो दो कौड़ी का हो, खाली जॉब जॉब हो उसके पास बस, बाकी कोई उसके अंदर कोई गुणवाण हो चाहे ना हो, ठीक है, लेकिन नहीं हम इससे शादी करा रहे हैं, उससे शादी करा रहे हैं, हम खूब भर के पैसा दे रहे हैं, हमने अपनी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखा है, लेकिन आपने अपनी बेटी को ना तो अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया है, ना उसे अपने पैरों पर खड़े होना सिखाया है, ना उसे सही गलत की कोई एजुकेशन दी है, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं, अपने परिवार के बारे में भी कुछ नहीं सिखाया कि हाँ भाई परिवार को जोड़ कर रखना चाहिए या कैसे रखना चाहिए, सही के साथ हमेशा खड़े होना चाहिए, गलत के साथ बोलना चाहिए, ठीक है, गलत के खिलाफ। मुझे एक चीज लगती है, मतलब पेरेंट्स लड़के को ही नहीं सिखाते, लड़कों को भी नहीं सिखाते, किसी को नहीं सिखाते कि अगर आप दूसरे की बेटी शादी करके लाए हो तो आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी चीज अगर अनमैरिड है किसी भी लड़की को छेड़ दिया ऐसे कैसे, मतलब तुम्हारे घर की बेटी को कोई नहीं छेड़ सकता बट तुम दूसरे की बेटी को छेड़ सकते हो, तो वो चीजें ना दोनों को सिखानी चाहिए। एंड सेकेंड जो मुझे इस वीडियो में पार्ट लगा है कि लड़की बोल रही है मेरी शादी में आके तमाशा मत करना, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि हाँ हम करेंगे हम करेंगे, तो उससे मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा, ठीक है, बट ये है कि वो बोलते हैं ना कि गुस्सा अंधा कर देता है, तो सही में कर देता है, वो अंधेपन में उस टाइम नहीं दिखाई देता ना कि हमने क्या किया, आगे जाके दिक्कत खुद के लिए ही हो जाती है क्योंकि सब लोग जान जाते हैं कि ये लड़का ऐसा है, फिर कौन सा बाप के उसने बवंडर किया, कौन सा बाप अपनी लड़की दे देगा भाई, तो वो चीज है। खैर यार गाने के प्रोस्पेक्टिव से ये काफी क्यूट सा प्यारा सा गाना अच्छा है ना, एंटरटेनिंग सॉन्ग है, बट एक सोशल मैसेज के हिसाब से अगर हम लोग ने जो एक्सप्लेन किया अगर आप लोग को वो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।